Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and in today's class I will discuss about feedback devices. आज हम डिस्कस करेंगे फीडबैक डिवाइसेस ऑफ यूनिट 7 पैडागॉजी एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट. यूनिट 7 का टॉपिक है ये आपका पैडागॉजी एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट. फीडबैक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे आपको हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को. ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फीडबैक क्या होते हैं. फीडबैक का ना आपकी असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फीडबैक किसी को आप वापस रिवर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ. आपको 2019 से क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर, टाइप्स ऑफ फीडबैक डिवाइसेस वो हम डिस्कस करेंगे अभी और इस क्लास के बाद आप बहुत इजीली आंसर मार्क कर पाएंगे. फीडबैक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं असेसमेंट ऑफ एजुकेशन में. ठीक है, फीडबैक इज टेकन एंड एनालाइज फॉर कंट्रोलिंग. आप कंट्रोल भी कर सकते हैं स्टूडेंट को, रीइंफोर्स भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि वेयर टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर. अपने टीचर की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. टीचर के लिए भी फीडबैक डिवाइसेस हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट के लिए भी हैं. तो जस्टिफाई स्टूडेंट हाउ देयर मार्क्स और ग्रेड वर डायरेक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है कि क्या क्या आप जस्टिफाई कर पाते हैं फीडबैक डिवाइसेस की हेल्प से या फीडबैक की हेल्प से कि कैसे मार्क्स आए और किस टाइप के आए. क्योंकि कई बार स्टूडेंट आर्ग्यू करते हैं कि आपने उस स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स दे दिए, मुझे कम दे दिए, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फीडबैक कि किस आस्पेक्ट में आपको मार्क्स दिए गए हैं. ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड रिवॉर्ड स्पेसिफिक क्वालिटीज, हम बच्चों की स्पेसिफिक क्वालिटीज को जज कर पाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस पर्टिकुलर आस्पेक्ट में अच्छा है. टू गाइड स्टूडेंट ऑन व्हाट स्टेप्स टू इम्प्रूव एंड टू मोटिवेट, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट और मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट है. टू रेगुलेट ऑन लर्निंग, अपनी लर्निंग की भी इम्प्रूव कर सकते हैं फीडबैक के जरिए. फीडबैक नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टिव. देखिए दो टाइप की अप्रोचेस होती हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन कुछ बनाना, इंस्ट्रक्टिव जहाँ पे कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. तो विच वन इज बेटर, कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव क्या है कि आप खुद से कुछ क्रिएटिविटी निकल कर आएगी, आप खुद से कुछ बनाएंगे, खुद से कुछ आपकी कुछ क्रिएटिविटी होगी. तो फीडबैक नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टिव. इंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जैसे कोई डेवलपर्स ने मॉडल्स दे दिया और इंस्ट्रक्शन डिजाइन पे बेस्ड था कि कैसे काम करना है, क्या करेंगे, तो इंस्ट्रक्टिव. इंस्ट्रक्टिव मतलब आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. टाइमली कि ऐसे फीडबैक हो जो टाइमली आप दें, तब ना दें जब उसकी कोई यूज ही नहीं है. मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट, हमेशा आपका फीडबैक आना चाहिए मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट टू द पॉइंट, अप टू द मार्क. कि आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं उसी एस्पेक्ट में आप फीडबैक दे रहे हैं. उस दिन क्या हुआ था, उस दिन आपने कैसे किया था, उसके लिए नहीं, जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से फीडबैक मांगा जा रहा है उसी एस्पेक्ट पे आप फीडबैक देंगे. स्पेसिफिक शुड ऑल्सो ऑलवेज बी स्पेसिफिक एंड एडवोकेट, बिल्कुल एडवोकेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट अपने टाइप जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, पॉजिटिव वर्सेज करेक्टिव. तो फीडबैक आपका पॉजिटिव होगा या करेक्टिव. वर्सेस क्यों किया है, ताकि आप डिफरेंस क्रिएट कर पाए. दोनों पॉजिटिव ही है एक तरीके से, लेकिन क्या पॉजिटिव है क्या करेक्टिव है ये देखेंगे. देखिए पॉजिटिव फीडबैक व्हाट दे आर डूइंग वेल, क्या वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स. आप बोलते हैं कि जो भी आपने दिया था कि दे आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव है, बहुत ईजिली आप पहचान जाएंगे. करेक्टिव जहाँ पे आप कुछ इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, नीड टू इम्प्रूव, कि हम बच्चों को बताते हैं कि यहाँ रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की, तो आपको पहचानना होगा विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज करेक्टिव. नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक वर्सेस जनरल. स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, नाम क्या है, नाम से समझना है. इज लर्निंग पे आपको मैंने हमेशा सिखाया है नाम से जाइए, नाम से चीज़ों को समझिए, जो वर्ड्स गिवन है उन्हीं में मीनिंग होता है और कुछ ऐसे टफ वर्ड्स हैं तो उनके आपको मीनिंग एक से दो बार में समझ आ जाती है. तो स्पेसिफिक टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात कर देंगे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस होगा. जर्नल, जर्नल ही हम बताते हैं, वेल डन, पुअर, मतलब हमने जर्नल बता दिया कि क्या काम था. स्पेसिफिक कैसे बताएंगे कि कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने. तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जर्नल विच इज नॉट स्पेसिफिक लाइक वेल डन एंड पुअर, आपने जर्नली बता दिया कि क्या फीडबैक है. टास्क रिलेटेड एंड एफर्ट रिलेटेड, टास्क तो आपका आउटकम पे फोकस करेगा ना एक तरीके से. हाउ वेल एन असाइनमेंट वॉज, कैसा एक असाइनमेंट था, कैसा टास्क निकल कर आया. एफर्ट कि हम बच्चे की इनिशिएटिव स्टेप को ही इंकरेज करते हैं कि एटलीस्ट ही टेक द इनिशिएटिव एंड उसने असाइनमेंट लिखा तो सही, कैसा भी था, तो हम एफर्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, टास्क में फोकस ऑन द टास्क. आई होप आपको समझ आ रहा है. आउटकम वर्सेस प्रोसेस या प्रोडक्ट भी आ सकता है यहाँ पे, दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो प्रोसेस ऑनगोइंग या प्रोडक्ट. इवेल्युएशन कैसा था, प्रोडक्ट बेस्ड था. असेसमेंट क्या है, प्रोसेस है, आप रेगुलर सेशंस में कर रहे हैं. तो आउटकम वर्सेस प्रोसेस, आउटकम ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन द रिजल्ट. प्रोसेस इज जर्नी ऑफ एन
इंडिविजुअल टास्क हम देख रहे हैं कि कैसा अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है, हमारी नेट की प्रिपरेशन अभी चल रही है, नेट का रिजल्ट आपका आउटकम है कि क्या रिजल्ट निकल कर आया, ठीक है। देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इवैल्यूएटिव, नाम से समझेंगे डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करना, गाइडेंस फॉर द इम्प्रूवमेंट आप बताएंगे डिस्क्राइब करेंगे हर आस्पेक्ट को, इवैल्यूएशन कीवर्ड इज वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट की एक इवैल्यूएशन निकल कर आया। अब कुछ टीचर के लिए भी आपके फीडबैक डिवाइसेस हैं, सिमुलेटेड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सिमुलेशन मींस आर्टिफिशियल, ठीक है, आप एक एनवायरनमेंट बना देते हैं, एक नकली क्लासरूम बना दिया, प्री सर्विस में यूजुअली यूज होता है कि एक टीचर आप बन के आएंगे, फील करेंगे कि सामने स्टूडेंट हैं, और जैसे मैं अभी एट प्रेजेंट कर रही हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं फील कर रही हूँ कि आप लोग मेरे सामने हैं और मुझे सुन रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग जिसमें आप सिमुलेशन करेंगे, आर्टिफिशियल एक रोल प्लेइंग गेम्स, आर्टिफिशियल सिचुएशंस होंगी, कीवर्ड पे फोकस करेंगे तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे। इंट्रैक्शन, दिस दीज ऑल फॉर टीचर्स, ओके, इंट्रैक्शन क्लासरूम में इंट्रैक्शन किसका होता है, स्टूडेंट और टीचर का, टू ऑब्जर्व द क्लासरूम बिहेवियर, फ्लैंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस, गैलोवेज इंट्रैक्शन एनालिसिस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रैक्शन एनालिसिस। माइक्रो टीचिंग जिसमें इसे स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं, माइक्रो मीन स्मॉल ट्रेनिंग टेक्निक है, प्री सर्विस में यूजुअली दी जाती है बच्चों को, या जो पीपल टीचर है फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो माइक्रो टीचिंग की हेल्प लेते हैं, टीच करते हैं स्टूडेंट्स को, लर्न द आर्ट ऑफ टीचिंग जिसमें वो मेन फोकस क्या है, लर्न द आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो अब एक बार रिवाइज करें, पॉजिटिव जिसमें आप बताएंगे ओके क्या कर रहे हैं, करेक्टिव आप नीड टू इम्प्रूव, आप इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट बताएंगे, स्पेसिफिक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जर्नल ओवरऑल बात करेंगे, टास्क रिलेटेड टास्क पे फोकस होगा, एफर्ट की उसके एफर्ट को भी इनिशिएट किया जाएगा, एटलीस्ट ही ट्राई, और आउटकम आपका या प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप इसे, आउटकम प्रोडक्ट की रिजल्ट पे बात की, प्रोसेस दैट इज ऑन गोइंग, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब कर दिया, इवैल्यूएटिव इज वैल्यू जजमेंट। टीचर के लिए कैसे है, सिमुलेशन सोशल स्किल ट्रेनिंग, एक नकली एनवायरनमेंट बना देते हैं और वहाँ पे हम ट्रेनिंग सेशंस देते हैं, रोल प्लेइंग गेम्स, आर्टिफिशियल सिचुएशंस, इंट्रैक्शन क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, फ्लैंडर एंड गैलोवस इसका एग्जांपल है, माइक्रो टीचिंग की हेल्प से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये था आपका फीडबैक डिवाइस, इससे क्वेश्चन आता है, प्रीवियस क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगी मैं आपसे, आपका एक लेक्चर प्रिपेयर अभी अपलोड करूंगी मैं जल्दी ही फ्लैंडर एंड गैलोवस इंट्रैक्शन एनालिसिस पे, जिसमें सिर्फ उसी क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट, सिर्फ फ्लैंडर और गैलोवस को ही इंक्लूड किया गया है पीवीएस क्वेश्चंस। तो आपको पीवीएस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और अगर ईज लर्निंग पे आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।